अगर आप मनोज दे, एक्टिव राहुल, ग्रेटर सच टूर, टेक चैंपियन स्पोर्ट, अगर आप इन जैसों की वीडियो देख रहे हो ना, तो आप यूट्यूब पर अपना करियर खराब कर रहे हो, आप अपनी यूट्यूब पे जिंदगी खराब कर रहे हो, आप यूट्यूब से एक रुपए नहीं कमाओगे। देखो मेरे पास एक इंसान आया जिन्होंने इनकी वीडियो देख देख के अपने 4-5 साल खराब कर दिए और इन्होंने यूट्यूब से एक रुपए नहीं कमाया। आपको पता है यूट्यूब से क्या देख रहे हैं? 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, 4000 घंटे कैसे कंप्लीट करें, उसी में देख देख के 4-5 साल अपने खराब कर दिए हैं। और इनके ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो देखते हो ना आप, ये सिर्फ आपको यही बोलते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे करें, 4000 घंटे कंप्लीट कैसे करें, और इनकी गलती से एक आधी वीडियो बाहर हो जाती है तो आपको लगता है यार इनकी वीडियो पे तो व्यू आ रहे हैं और अपना टाइम खराब कर रहे हो आप इनकी वीडियो देख देख के। मुझे आप सिर्फ देखो, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप मुझे खुद बताओ आपने कितने सब्सक्राइबर कर लिए इनकी वीडियो देख के, कितने का आपने यूट्यूब से लाखों रुपए कमा लिए? अगर आपने लाखों रुपए, मुझे कमेंट करके बताओ कि हमने इतने पैसे कमाए हैं। और जो आप देखो, मैं ये तो कुछ भी नहीं है, जो जो बड़े बड़े आप देखते होंगे, सौरभ जोशी, कैरी मनाटी, अलविश यादव, उनकी वीडियो देख देख के क्या मिल गया आपको, क्या उखाड़ लिया पैसे वो कमा रहे हैं, आप हमारा टाइम खराब कर रहे हो। अरे यार आप बेवकूफ क्यों बन रहे हो? देखो आप इंटरनेट के अंदर क्यों बेवकूफ बन रहे हो? देखो उन्होंने कभी आप तक आपको बोला कि यूट्यूब पर पैसे हैं? कोई नहीं बताता मेरे भाई, अगर उन्होंने बता दिया तो वही पैसे कमाएंगे, ठीक है? वो कहां से पैसे कमाएंगे? वो तो सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे तो उन्होंने आपको ले आ रखा, तो समझो मेरे बात, देखो जाग जाओ, ठीक है? अभी भी 2024 चल चुका है और आपको आपने 4 महीने खराब कर दिए, कब तक? ये साल भी चला जाएगा, कभी यूट्यूबर नहीं बन पाऊंगे जैसे ये आए मेरे पास, किसी दिन आ पाऊंगे, कब तक ऐसे टाइम खराब करोगे? मुझे बताओ आप यूट्यूबर क्यों नहीं बन पा रहे हो, ऐसा क्या कर दिया आपने? गौरव जी मैं 2010 से यूट्यूब पर हूँ, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी कमाया जाता है। मैं इन जितने बड़े क्रिएटर हैं सबसे बड़ा पुराना यूट्यूबर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। जब मुझे पता चला, ये 2016 के आसपास की बात है, मुझे कहीं से पता चला कि YouTube से पैसा कमाया जाता है। किसकी वीडियो देखी सबसे पहले आपने? तो मुझे ये याद नहीं है किसकी वीडियो देखी थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी ने मुझे बताया था कि YouTube से पैसा कमाया जाता है। तो मैंने उस दिशा में जब YouTube पर सर्च करने की कोशिश की थी, हाउ टू मनी फ्रॉम YouTube, इस तरह के कुछ कंटेंट सर्च किए, तो मुझे कुछ बड़े यूट्यूबर नजर आए, जैसे ये अपना क्या नाम है, टेक्निकल गुरुजी हैं, इसकी वीडियो थी, और कुछ बड़े यूट्यूबर और भी थे जिनकी वीडियो में देखा कि ये पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। उस टाइम दिखाते थे कि, लेकिन एक उस टाइम का ये था कि वो अपनी इनकम को शो नहीं करते थे, सिर्फ इतना कहते थे कि यूट्यूब पे पैसा है, यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। एक बड़े अपने आप को बड़े कहते भी हैं, क्योंकि 5 मिलियन सब्सक्राइबर के लगभग उनके सब्सक्राइबर तो बड़े ही हैं। मनोज दे की मैंने वीडियो को दिन रात इतनी वीडियो देखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा जो मोबाइल का डाटा है वो भी पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता था टाइम से पहले ही। मैं मनोज दे के पीछे पागल था, उनको देखता था, क्योंकि मनोज दे बताते थे कि आपका चैनल चुटकियों में वायरल हो जाएगा। और एक चीज और मैं काटना चाहूंगा, देखो मनोज दे अपनी वीडियो में बोलते हैं कि मुझे तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को तो एसईओ करना आता है। अगर आपको इतना एसईओ करना आता है तो पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे आप? पब्लिक का कहां गया एसईओ? अगर आपको इतना ही एसईओ करना आता है ना, तो एक नया चैनल बनाओ, एक वीडियो वाल करके दिखाओ, मैं भी मान जाऊंगा। देखो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर यही बोलते हैं ना कि मेरे को तो 5 साल का एक्सपीरियंस है भाई, मेरे को इतना बड़ा गुस्सा आता है ना कि मुझे एसईओ आता है। अगर तुझे एसईओ आता है मेरे भाई, तो पब्लिक को उसका देना, पब्लिक को क्यों नहीं करना आता, पब्लिक को क्यों मूर्ख बना रखा तूने? अगर एसईओ आता है, अरे भाई कुछ नहीं होता यूट्यूब में, ठीक है? एसईओ से कुछ नहीं होता यूट्यूब पे, मेहनत देखो मेहनत होती है। और रही बात कंटेंट की, आपको यही पता कि आपको यूट्यूब पे कंटेंट क्या डालना क्या नहीं, तो बाल कहां से हो जाओगे, ठीक है? अगर एसईओ होता है, देखो ये यूट्यूब के 4-5 साल से उनकी वीडियो देख रहे हैं, तो कहां गया इसका एसईओ, कहां तक क्या आ गया आपको बताओ? कितने व्यू लिया यूट्यूब पे आप? यूट्यूब पर मुझे मनोज दे की वीडियो, टेक चैंपियन स्पोर्ट की वीडियो, एक्टिव राहुल की वीडियो, और अपना टेक्निकल गुरुजी की वीडियो, आप क्रिएटर सर्च की वीडियो, मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियो मैंने देखी है, उन्होंने बताया था कि आपका चैनल चुटकियों में ग्रो हो जाएगा। एक नित्या के स्पोर्ट है, उनका मेरे पास फोन भी आता है, बहुत बार उनके फोन आते हैं कि आप इतने पैसे दीजिए आपके चैनल को हम ग्रो करा के देंगे। और देखो इनकी मैं बात काटना चाहूंगा, देखो एक नित्या की स्पोर्ट है, वो बोलता है कि वो कुछ पैसे लेता है, वो भी किसके चैनल की सेटिंग के लिए। अरे भाई यूट्यूब पे कौन सी सेटिंग होती है मुझे भी बता दो, अगर ऐसी सेटिंग है तो एक बात बताओ, उस पर खुद के तो अपनी सेटिंग अपने चैनल की सेटिंग नहीं हो रही है, 10-15 हजार व्यू ले रहा है, ठीक है? अपने चैनल की सेटिंग कर ले पहले, वो रोगी क्या सेटिंग करेगा बताओ? जो बेचारी आम जनता ना, गरीब जो बेचारे जिसमें दिमाग नहीं है, गरीब जनता उनको लूट के खा रहा है, बताओ कौन सी सेटिंग होती है? इतने पैसे पैसे लेके वेस्ट कर रहे हैं यार, दुनिया का टाइम वेस्ट कर रहा है। अब ये भी फंसने वाले थे, ये बच गए। मैं उनको पैसा देने को तैयार था, लेकिन इसी दौरान मुझे VFX गौरव जी का जब पता चला, तो मैं VFX गौरव जी से अचानक से मिलने आया, और इनको मिलने के बाद जो इन्होंने कंटेंट मुझे बताया, उस कंटेंट के दम पर मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, आज मेरे 5 चैनल मोनेटाइज हैं दोस्तों, 5 चैनल मेरे मोनेटाइज हैं, और यूट्यूब पर मैं एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। आपको इसी चैनल पर मैं अपनी अर्निंग का प्रूफ भी दिखाऊंगा। और आपको लग रहा होगा ना कि मैंने मैंने कोई पढ़ा रखा, मैंने कोई नहीं पढ़ा रखा इनको, देखो। और हाँ आपको लगता होगा यार ये भी आगे पसंद देने के लिए, कि बता दूं मैं वही यूट्यूब में ऐसा जो गारंटी दे दे। अगर आप मेरे कहने पे चलो, देखो मेरा भी एक चैनल है VFX गौरव टेक, अब आप बोलोगे तेरी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे, अरे वीडियो पे व्यू कहां से आ जाएगा, तुम वीडियो देखो यूट्यूब पे क्या है,
वीडियो पे बात व्यू की नहीं है, बात है टैलेंट की, ठीक है। मेरे जो मेरे अंदर जो क्वालिटी है ना वो किसी के अंदर नहीं है। क्यों? मैं देखो पूरी तुम्हारे कैमरे के सामने बोल सकता हूँ, कैमरे तू ना कोई कोई बड़े से बड़ा छोटे छोटे यूट्यूबर आ जाए उसका चैनल एक घंटे के अंदर वाल करके दे दूंगा। कोई बोल सकता है मेरे में दम है ना, क्वालिटी होगी कुछ, तभी तो बोल रहा हूँ। मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो बात होगी जो एक घंटे के अंदर आपका चैनल वाल करके दूंगा। जो बोलते हैं कि नहीं होगा, मैं करके दूंगा, कुछ भी हिम्मत है तो करके दिखाओ भाई, 100% करके दूंगा, 100% की। और हाँ, वीडियो को आप किसी की पूरा नहीं देखते हो, आप मेरी वीडियो को पूरा देख के अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर ना वीडियो आ रहा हो तो मुझे बोलना, अपना घर का एड्रेस दे दूंगा, अपने ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा, आओ तुम्हारा चैनल लाइव वीडियो वाल करके दिखाऊंगा। फिर मानो मुझे बताओ, ये खुद आए, देखो इनको भी यकीन नहीं था, ये सोचते हो हवा में बातें कर रहा, जब इनका चैनल खुद हुआ ना वाले घंटे में तब पता चला इनको, बताओ। ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं मनोज दे से मिलने के लिए धनबाद की प्लानिंग कर चुका था, वहां के जो कुछ अधिकारी हैं उनसे मैंने संपर्क किया था कि मनोज दे का मुझे एड्रेस चाहिए। उन्होंने कहा था आप आ जाइए, आपको हम मनोज दे से मिलवा देंगे। तो मैं पूरी प्लानिंग कर चुका था मनोज दे से मिलने की, टेक चैंपियन स्पोर्ट के जो स्कूल है जेके इंटरनेशनल स्कूल, वहां तक की भी मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा और अपने जन को ग्रो कराऊंगा। लेकिन इन बिटवीन मुझे गौरव जी का जब पता चला, मैं गौरव जी से मिला एक बार, तो मुझे गौरव जी को देख के सच में सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे ये महसूस हुआ कि यार जब इतने बड़े बड़े क्रिएटर ही मेरा चैनल ग्रो नहीं करा पाए या मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ तो गौरव जी क्या कराएंगे। लेकिन गौरव जी ने मुझे बड़े अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से बिठाया और मुझे ये कहा कि तेजी भाई अगर आपके चैनल को मैं मात्र 10 मिनट में ग्रो करा दूं तो आपको कैसा लगेगा। मैंने कहा जी 10 मिनट में गौरव जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने मुझे लाइव प्रूफ दिखाया और मेरे चैनल पर पहली वीडियो डाली। मेरी पहली वीडियो डालते ही दोस्तों वो 20,000 व्यूज पे 10 मिनट के अंदर 20,000 व्यू 10 मिनट के अंदर उस पर आ गए थे और मैं देख के हैरान हो चुका था कि मेरा चैनल ऐसे भी ग्रो हो जाएगा। और ऐसे करते करते दोस्तों आज मेरे 5 चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, उसका सारा क्रेडिट मैं गौरव जी को देता हूं। देखो आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, देखो यूट्यूब पर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ना बड़े बड़े यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ो। देखो नए कंटेंट क्रिएटर हूं मैं, आपको भी बोल देता हूं मेरा कोई टैक्स चैनल, देखो मैंने टैक्स चैनल आपके लिए खोला, क्योंकि ना देखो पब्लिक गलत जगह जा रही है तो उनको देखो मैं उनकी हेल्प करने के लिए आ रहा हूं। पब्लिक सोचती है कि यार ये तो आ गया टैक्स यूट्यूबर, बड़ा भाषण दे रहा है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं तो अपना चैनल हैंडल कर लूंगा। आप बताओ आप सबका क्या होगा। देखो अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना तभी कोई होता है। देखो अगर आप किसी की गलत, अगर आप देखो कोई है ना, अगर आप किसी की गलत क्रिएटर की वीडियो देखोगे ना तो आपका करियर खत्म होते टाइम लगेगा। देखो आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप देखो आप ना खुद एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, अपने चैनल पे आप फोकस कर तो नहीं, सारा दिन क्या करते हो मोबाइल लेके बैठे हो, कभी किसी की मनोज दे की वीडियो देख रहे हो, कभी किसी की वीडियो देख रहे हो, अरे अपने चैनल पे तो ध्यान देख लो, उन्हीं के चैनल पे देख रहे हो मेरी वीडियो, कोई आपको तो ट्रिक मिल जाए सारे अपने चैनल वाले करने की। अरे कोई ट्रिक नहीं है चैनल वाले करने की, मेहनत करो अपने चैनल पे, एक 100% आपका चैनल ग्रो होगा। आपको ये तो पता होना चाहिए आप अपने चैनल पे काम क्या कर रहे हो, वीडियो आपको डालने का पता नहीं है, ठीक है, अपनी मर्जी से जो डालते हो। अरे आपको कभी किसी ने बताया कि देखो वीडियो वाले कैसे होते हो, कोई नहीं बताएगा, सब आपका मूर्ख बनाने में लग रहे हो और आप बढ़ जा रहे हो। अगर आप बनते रहोगे ना तो YouTube पे छोड़ दो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, कोई आप यूट्यूबर कभी बन नहीं सकते, YouTube से चले जाओ कुछ और दिहाड़ी मजदूरी कर लो, ठीक है, आपके बस का है यूट्यूबर। अगर आपको यूट्यूबर का सही ज्ञान चाहिए ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा चैनल VFX गौरव टैक उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। और हाँ अगर आपको लगता है कि आपका चैनल 3 महीने के अंदर ग्रो ना हो ना तो मैं आपको एड्रेस दूंगा वहां पे आना, 1 घंटे के अंदर आपकी वीडियो कॉल करके ना दो तो मुझे बोलना। पहले आप वीडियो को देखो, फॉलो करो पूरा वीडियो देख के, अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर नहीं हो वीडियो वाल तो मेरे एड्रेस पे आओ, आपका चैनल वाल करके मैं दूंगा। और बोलो इससे ज्यादा मैं क्या करूं आपके लिए। तो आज की वीडियो में देखिए मैं गौरव जी के पास आया था, इनसे रिक्वेस्ट की है मैंने कि मीटअप जल्दी रखना है और मीटअप की रिक्वेस्ट के साथ साथ गौरव जी ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया है और जल्द ही निकट भविष्य में देखो ये भाई बोल रहे हैं कि आप मीटअप रखो कि देखो मैं मीटअप भी रखूंगा और हाँ जो भी मेरे मीटअप में आएगा ना देखो अभी भी दावे के साथ बोल रहा हूँ डंके की चोट पे सबका चैनल वाल करके दूंगा। आपको इसी में हिम्मत नहीं है, देखो सबको डर लगता है कि यार कभी बेइज्जती हो जाए, भाई साहब मुझे बेइज्जती डर नहीं क्योंकि मुझे YouTube की सब पता है YouTube को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है, आपके सबके चैनल को वाल करके दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करके बोल लोगे, देखो अगर इस वीडियो पे 1,000 कमेंट हो गए कि सर मीटअप रखो तो मैं ना मीटअप कल ही रख लूंगा। और बोलो आप इस वीडियो पे 1,000 कमेंट कर दो कि मीटअप रखो आप और आप आना मीटअप में 100%, कोई पैसा नहीं किसी से लिया जाएगा, फ्री मीटअप है, आओ और 100% आपका चैनल वाल करके दूंगा, ठीक है। और बोलो आपके लिए मैं क्या सेवा करूं। बस जी गौरव जी मैं तो ऑन कैमरा आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मुझ जैसे छोटे क्रिएटर जो बेचारे यूट्यूब पर ये सोचते हैं कि हम यूट्यूब से कुछ पैसा कमाएंगे, यूट्यूब पर अर्निंग कर लेंगे, उनके लिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्लीज उन लोगों को मोटिवेट करें, उन लोगों के चैनल को ग्रो कराएं, तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको फिर मिलता है किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।